हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे सामने आप ये कुछ प्लांट्स देख रहे हो। मैंने इनको आज से करीब 15 से 20 दिन पहले पानी में रखा था और अभी इनको हम निकाल कर देखते हैं इनकी रूट्स कैसी निकली हैं। और इनमें से रूट्स निकल गई हैं तो हम इनको मिट्टी में लगाएंगे और किस तरीके से इनकी मिट्टी वगैरह सब करेंगे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी मैंने देखी कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि पानी में बहुत इजी उनकी जड़ें निकल जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर ड्रेसिना लिया है, क्रोटन लिया है और जो हम पान की बेल होती है, पान की बेल ली है। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर संचेसिया प्लांट मैंने लिया था, एक कटिंग मैंने संचेसिया की ली थी। तो इन सभी को मैंने पानी में रख दिया था। तो रूट्स देखिए आप इनकी कितनी अच्छी निकल कर आई हैं। अभी टाइम हो गया है, हमें इनको मिट्टी में लगाना है, क्योंकि अगर हम अभी इनमें पानी में रहने देंगे तो इनमें फंगस भी लग सकती है और इनकी जड़ें ख़राब भी हो सकती हैं। तो हमें इन्हें मिट्टी में लगाना है। और जैसे अगर आप पानी में कटिंग लगा रहे हो तो उस पानी को आपको तीसरे दिन बदलते रहना होता है। तो पानी में अगर कोई भी बैक्टीरिया नहीं होगा, कीटाणु नहीं होगा, तो ना तो कटिंग ख़राब होगी। बिल्कुल इस तरीके से आप 100% अपने घर पर कटिंग तैयार कर सकते हो। अगर आपसे किसी से मिट्टी में कटिंग नहीं ग्रो होती हैं तो इस तरीके से बहुत ईजी कटिंग तैयार होती हैं। तो ये जो ड्रेसिना की एक कटिंग थी बिल्कुल बेकार, इसको भी देखिए मैंने लकड़ी की तरह ही थी ये कटिंग बिल्कुल। तो मैंने इसको पानी में रख दिया था और कितनी अच्छी इसमें से भी रूट्स निकल आई हैं। इसके बाद एक ये क्रोटन का प्लांट है, क्रोटन भी पानी में बहुत ईजी तैयार हो जाते हैं। अगर हम क्रोटन की एक पत्ती को भी पानी में रखते हैं बहुत दिन तक तो उसमें से भी जड़ें निकल जाती हैं। ये तो मैंने एक छोटी सी कटिंग ली थी और इसको पानी में रख दिया था। तो कौन कौन से प्लांट की कटिंग आप पानी में तैयार कर सकते हो, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए शेयर कर दूंगी। आज हम जो हमारी कटिंग तैयार हो गई है इन्हीं को मिट्टी में लगाएंगे। तो देखिए, आपको कुछ कटिंग लेनी होती है और पानी में रख देना होता है, उसके पानी को आपको साफ रखना होता है और उसे आपको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना होता है। छाया वाली जगह में रखिए, बस आप ऐसी जगह, मतलब जहाँ पर सनलाइट पड़ती रहे, डायरेक्ट ना पड़े, मतलब रोशनी आती रहे धूप की, ऐसी जगह पर आप रखिए। तो ये देखिए मेरी पान की जो बेल है, कितने अच्छे से इसकी रूट्स निकली हैं, इसमें से अलग अलग ब्रांचेस भी निकलने लग गई हैं। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए पॉट लिए हैं, प्लास्टिक के करीब 5 से 6 इंच के ये पॉट हैं, इससे ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और इन्हीं पॉट में मैं इनको लगा कर रख दूँगी, क्योंकि ग्रोथ अभी छोटी है, कटिंग है, तो छोटे पॉट में ईजी ग्रो होंगे। अगर हम अभी इनमें बड़े पॉट में रख देंगे तो बहुत अच्छे से हमारी कटिंग नहीं चलेंगी और ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने देखी इनके नीचे काफ़ी बड़े बड़े से होल हैं, तो इनके लिए मैंने अच्छी कंकर रख ली है ताकि नीचे इसमें डाल देंगे हम। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने मिट्टी देखी, इसमें गोबर की खाद है और 1 पार्ट मिट्टी है, 1 पार्ट गोबर की खाद है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 2 से 3 स्पून करीब फंजीसाइड पाउडर में इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि देखिए हम कटिंग को पानी से निकाल कर मिट्टी में लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ा बदलाव तो आएगा, इसलिए कोई फंगस ना लग जाए, कटिंग ना ख़राब हो, तो इसलिए फंजीसाइड पाउडर ज़रूरी रहता है। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी भी ले सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर देखिए 1 मुट्ठी के करीब नीम खली भी ले ली है, क्योंकि नीम खली प्लांट जो होता है उसकी जड़ों की ग्रोथ अच्छी करने में, मजबूत करने में बहुत सहायता करती है, फंगस से भी बचाती है और खाद का भी काम करती है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, पॉट में नीचे हमने कंकर डाल ली हैं अच्छे से, बस होल कवर होने चाहिए, मिट्टी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसमें मैंने एक छोटा सा कपड़ा भी रख लिया था और कपड़ा रखने के बाद हमें इसमें मिट्टी भर लेनी है। आधा पॉट हमें इसमें पहले भरना होता है और आधा पॉट हम भरेंगे इसमें अपने प्लांट को रखने के बाद। तो मैंने देखी एक कटिंग ली है
और इसे हम बिल्कुल बीच में रख देंगे। इनकी जड़ों को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अगर आप इनकी जड़ों को मतलब छेड़ोगे तो ये टूट जाएगी, डैमेज हो जाएंगी, ख़राब भी हो सकती हैं। और इसके चारों साइड हमें मिट्टी भर देनी है इस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से आप अपने घर पर कितने भी महंगे से महंगे प्लांट हो, कटिंग से जितना मर्जी आप तैयार कर सकते हो। तो देखिए, मैंने 5 से 6 प्लांट ये तैयार कर लिए हैं और अभी हमें इनमें सब में पानी डाल देना है। पानी बहुत ज़रूरी होता है। और रखना किस जगह पर है, धूप में आपको इन्हें बिल्कुल नहीं रखना है, सिर्फ रोशनी आनी चाहिए धूप की, ऐसी जगह पर हमें इन्हें रखना है। अगर धूप में रखेंगे तो कटिंग हमारी ख़राब हो जाएंगी। तो देखिए किस तरीके से हमारे न्यू प्लांट तैयार हो गए हैं। अगर आप इस तरीके से अपने घर पर ढेर सारे प्लांट तैयार करके सेल भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत ईजी रहता है। तो मैंने देखिए 5 से 6 प्लांट हमारे ये हो गए हैं। संचेसिया है, पान का प्लांट है। पान के प्लांट की आप जितना मर्जी अपने घर पर तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक एग्लोनिमा की कटिंग लगाई थी, ये भी मैंने शायद से 20 से 25 दिन पहले लगाई थी और ये भी प्लांट मेरा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। इसमें से न्यू पत्ती भी निकलनी शुरू हो गई है और बहुत ही सुंदर लगता है। एग्लोनिमा बहुत महंगे भी मिलते हैं। एक ये नेक्स्ट मैंने फिलोडेंड्रोन की वैरायटी है मेरे पास, उसकी कटिंग्स मैंने ग्रो की हुई हैं तो ये भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स, कटिंग्स से जब हम अपने प्लांट घर पर ग्रो करते हैं तो हमारे पास ढेर सारे प्लांट हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।